गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सरकार ट्रेडर्स चैनल में आप लोग को अगेन वेलकम। सरकार ट्रेडर्स चैनल में आपको पता है कि लाइव ट्रेडिंग में मैं कभी कभी आपके साथ आता हूं, और लाइव ट्रेडिंग में क्या मार्केट का स्थिति है, क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्त, ये हमारा नंबर है, आप लोगों को कोई क्वेरीज है, कोर्स के बारे में कोई क्वेरीज है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे कोर्स इस तरह का है जो कि फरवरी महीने का 5 तारीख से अभी कोर्स है, कल से। अभी तक आपने सीट बुक नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। कलकत्ता का नियरेस्ट वाले जो लोग हैं उनके लिए फरवरी मंथ 15 और 16 वर्कशॉप है, वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप का फीस 10,000 है। चलिए फटाफट देखते हैं हम निफ्टी का क्या स्थिति है, क्या कॉल मैं आज दिया हूँ फ्रेंड्स। तो आपको बताए, सबसे पहले मैं निफ्टी को ऊपर निगाह डालता हूँ। निफ्टी में मैं कहाँ पे आपको कॉल दिया था, आपको इस जगह पे कॉल दिया था कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है, जाएगा, जा सकता है नहीं कहा था, आज यहाँ से ऊपर जाएगा और 900 तक लेवल टच करेगा। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल आज का हाई पे अगर हम नजर डालें तो आज का हाई निफ्टी का जो है वो आपका 95 ऑलमोस्ट हमारा टारगेट के पास। ओके, तो जब उस टाइम पे हमारा 11,800 का कॉल के ऊपर हमारा फोकस था और ये 60 के आसपास चल रहा था और ये 87 का हाई मार चुका है। यहाँ पे हम हाई देखेंगे, इसका क्या है हाई, तो यहाँ पे इसका हाई है 88.85 पैसे। ओके, तो बाकी ऐसे अच्छा दिन में अगर कॉल में कोई काम करें तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे अच्छा अच्छा दिन में भी आपके साथ क्या धोखा होता है, अच्छा अच्छा दिन में भी आप लेवल डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी स्टॉक कहाँ से हमें बाई करना है और कहाँ से गिरावट आ सकता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आज सुबह मैं जो कॉल दिया था मार्केट ओपन होने से पहले ही, आपको मैं टाटा स्टील के ऊपर व्यू दिया था, टाटा मोटर के ऊपर व्यू दिया था और एक्सिस बैंक में 716 पे व्यू दिया हूँ। अभी वो 716 से ऊपर जाने का उम्मीद मुझे तो अभी है और वो आपको बड़े आराम से 720 तक का टारगेट यहाँ से और दिखाने का उम्मीद है, थोड़ी देर में लग सकता है। भारतीय एयरटेल में 508 में आपको बाई कॉल दिया था जो कि 512 था, किसने टारगेट अचीव कर दिया है। विप्रो में अभी अभी कॉल दिया हूँ जो कि 240 पे और 242 का टारगेट यहाँ पे दिया हूँ। तो देखिए, इस तरह का कॉल आप लोग खुद से सीखिए। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ किसी अंधाधुन काम मत कीजिए, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत होइए, ठीक है। किसी भी चीज अगर खुद से सीखेंगे, खुद के ऊपर बिलीव आएगा तब काम करने का मजा आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा दिन में भी मुझे पता है कि आप लोग अंधाधुन काम करते हैं कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है तो किसी भी स्टॉक में हम हाथ डालेंगे तो ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं देखिए जस्ट डायल में सुबह से एक कॉल दिया था, तो जस्ट डायल अभी भी बाय नहीं करना है। जस्ट डायल में आपको क्लियर बताया हूँ 23 और 23 के ऊपर जाके सस्टेंस करे, 20 और 23 के ऊपर तब जाके इसके ऊपर बाय करना है। इसका बहुत सारे कारण होता है, सिर्फ ये नहीं होता है कि इस हाई को ब्रेक कर रहा है कि ये कर रहा है, काफी चीज यहाँ पे देखना पड़ता है। उन सब चीज देख के आपको बाइंग या सेलिंग का पोजीशन बनाना चाहिए। तो दोस्त, निफ्टी का जो मैं व्यू दिया था वो ऑलमोस्ट व्यू हो चुका है। अभी और निफ्टी में क्या हो सकता है, काफी दोस्तों का ये क्वेरीज होगा अब निफ्टी में आगे और क्या हो सकता है। तो मैं आपको निफ्टी का आगे का बता दूं, ये 900 के आसपास थोड़ा सा थकावट महसूस कर रहा है और ये महसूस कर सकता है, और थोड़ा सा हल्का गिरावट अगर आए तो यहाँ से आके अगेन ये ऊपर ही जाने का चांसेस है, जो कि 950 और 12,000 के करीब तक का लेवल आपको आने वाले एक दो दिन में दिखा सकता है निफ्टी। ओके, तो देखिए ये सब चीज कोई मनगढ़ंत बात नहीं होता है, कोई तुक्का वाली बात नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं ऑलवेज आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ और अभी भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद के ऊपर बिलीवनेस रखिए, खुद सीखिए, खुद काम कीजिए, तब मजा लीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा चर्चा नहीं करेंगे तो वीडियो अधूरा रह जाएगा और आप लोगों को भी मन में काफी क्वेरीज रह जाएगा, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप लोग काफी दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए बैंक निफ्टी के ऊपर भी मैं फोकस आप लोगों को डालना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ से और मूवमेंट आपको दिखा सकता है। फर्स्टली 30,600 एंड उसके बाद 30,700 के आसपास तक का एक पॉजिटिव मूवमेंट बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। दोस्तों, यहाँ से मैं जो कल जो आपको कॉल दिया था उसके ऊपर मैं एक बार निगाह डालूंगा। जो डॉक्टर रेड्डी में कल आपको कॉल दिया था, कोई एक फ्रेंड्स कल भी पूछा था जो क्या हो सकता है यहाँ पे, कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था तो मैं उनको बताया था जो होल्ड कीजिए, डॉक्टर रेड्डी और ऊपर जा सकता है। तो जिन्होंने होल्ड किया है उन्होंने, उनका फोन मेरे पास आया है, मुझे काफी शुक्र अदा किया है, थैंक यू सबके लिए। और बाकी जो भी स्टॉक है इंडस्ट्रियल बैंक, इनमें भी इंडसइंड बैंक, इनमें भी मैं पिछले बजट से पहले ही कॉल दिया था कि आपको 5 से 8% का अप मूवमेंट यहाँ से दिखा सकता है, मैं अभी उसी व्यू में ही हूँ। और आज का सुबह का जो हाई आपने देख चुके होंगे, जो
1280 से 1285 का हाई इन्होंने मार चुका है, ठीक है, लगा चुके हैं। तो इस तरह का कॉल आप खुद से आइडेंटिफाई करना सीखिए, यही मेरा कहना है, यही मेरा सजेस्ट है। और अदरवाइज मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं कंजूसी नहीं करता हूँ, कोई यहाँ पे कुछ अलग से मैं कोई कॉल नहीं देता हूँ, मेरा कोई पेड सर्विस नहीं है, पेड ग्रुप नहीं है, मैं जो भी देता हूँ आप लोगों को फ्री में देता हूँ, फ्री में कमाइए, लेकिन लेवल को आइडेंटिफाई करना सीखिए दोस्त। तो दोस्तों आज का इस लाइव सेशन में इतना ही, अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, मेरा लेवल, तो लाइक बटन आप लोगों को सबसे मांगता हूँ भाई, जिन जिन लोगों को अच्छा लग रहा है उन लोग सब लोग एक बार लाइक बटन जरूर दबाइए, कमेंट ला लिखे लिखे या ना लिखे, लेकिन लाइक बटन आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है उनको ऊपर मैं छोड़ता हूँ, सब्सक्राइब मैं नहीं करता हूँ, जो मेरे कहने से आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू दोस्त। और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो ऐसे अपडेट आपको नहीं मिलेगा, ये तो मैं हर रोज कहता हूँ, थैंक यू, टाटा।